6 वर्षीय मासूम बच्ची को रोनता हुआ निकल गया डंपर। घटना का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मौत का लाइव वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हमीरपुर जिले में मौत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक डंपर ट्रक सड़क पार कर रही 6 वर्षीय मासूम बच्ची को रोनता हुआ तेजी से भागता नजर आ रहा है। मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये दर्दनाक वीडियो जिले के मोधा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 पर नारायच गांव का है, जहां एक 6 वर्षीय बच्ची मदीहा खेलते खेलते नेशनल हाईवे पर पहुंच गई, जहां अनियंत्रित गति से आ रहे डंपर ने उसे रौंद दिया और भाग निकला। चूंकि ये हादसा नारायच गांव में ही हुआ था, इसलिए आनन फानन में यहां लोगों का तांता लग गया और कुछ लोगों ने भाग रहे डंपर सहित डंपर चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद इस दर्दनाक हादसे का CCTV सामने आया है, जिसको देखकर लोगों का दिल दहल गया। बस अब क्या घटना हुई है, बच्ची है रोड में निकल के जा रही थी कहीं घर, ट्रक यहाँ इतनी स्पीड से चलते हैं कि मेरे ख्याल में रोज एक एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी न किसी की हत्या होती है। गांव के लोग और आसपास के लोगों ने कई बार आंदोलन किया, जब जब घटना होती है तब तब लोग आक्रोशित होते हैं, तब तब आंदोलन करते हैं कि यहाँ डिवाइडर बने, डिवाइडर न बने तो कम से कम ब्रेकर बने जिसमें ट्रक ड्राइवरों की स्पीड कम हो। उसके बाद भी शासन प्रशासन का इस तरह कोई ध्यान नहीं जाता है और पता नहीं कितने लोग मर गए इस गांव में। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने उसको कब ध्यान नहीं दिया और आगे चल के पता नहीं कितने लोग मरेंगे। जिस ढंग से ट्रक यहाँ लापरवाही से चलते हैं उसमें ब्रेकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्ची खत्म हो गई? हाँ, बच्ची ख़त्म हो गई, उसकी यादें वगैरह सब बाहर आ गई हैं, ट्रक ऊपर से निकल गया है। गांव के लोगों ने ट्रक का पीछा करके खन्ना के आगे कहीं उसको पकड़ पाया है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।